Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. ये असुर सेना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, इन्हें कैसे रोकेंगे गणेश जी? असुरों, यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें आगे कदापि नहीं जाने दूंगा। ये दुष्ट ऐसे नहीं रुकेंगे गणेश। हाँ भैया, नदी के तट तक पहुँच चुके हैं ये। यदि उसे पार कर लिया तो शमशान तक पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा इन्हें। हमें इनको वहीं रोकना होगा भैया। गणेश, नदी के तट पर पहुंचे असुरों को तुम रोको और अन्य को मुझ पर छोड़ दो। उचित है भैया। मयूर जी, अरे सावधान, इस नदी का जल तो हमारा, अब तो ये जल नीचे उतर रहा है, हमें लील जाएगा। दुष्ट असुरों, गणेश जी से पार पाना इतना सरल नहीं है। ये मोर पे कौन आ रहा है? सतर्क हो जाओ सब। लगता है ये देवताओं का आक्रमण है, उसके हाथ में धनुष भी है। असुर सेना रूपी ये संकट तो टल गया। विघ्नहर्ता गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया इन असुरों को। गणेश, अब यहाँ की चिंता तो दूर हुई, इसीलिए अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करने जाना चाहिए। हाँ भैया, आप आगे बढ़िए, मैं मूषक जी पर आरूढ़ होकर आपके पीछे आता हूँ। अब हम सुरक्षित हैं गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, अब आप प्रस्थान कीजिए, हम यही ऋषि मार्कंडेय जी के साथ स्थित हैं। चलिए मूषक जी। ये कैसी ध्वनि है? मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ कि संकट अभी शेष है? एक बार पीछे मुड़कर देख लेता हूँ। ये असुर तो अभी भी शेष है और देवताओं की ओर बढ़ने के लिए छलांग लगा रहे हैं। इस असुर सेना का अंत नहीं हुआ अभी। नहीं भैया, आप पीछे मत लौटिए, आप आगे बढ़िए भैया। हमारा प्रयोजन तो बहुत बड़ा है, संसार को शुंभ और निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना है हमें। इसलिए इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराने के साथ हमें शुंभ को माता के समक्ष जाने के लिए प्रेरित करने की योजना को सफल करना है। इसके लिए आपको तो आगे जाना ही होगा भैया। किंतु गणेश, ये असुर तो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
मुझे यहाँ रुककर इनका सामना करना चाहिए। भैया मैं इन्हें संभाल लूंगा, इनके कारण अब और विलंब करना उचित नहीं। हमारी योजना तो आपको भी ज्ञात है भैया, इसलिए आप आगे बढ़िए और उसे सफल कीजिए, क्योंकि जब तक शुंभ निशुंभ का अंत नहीं होता असुरों का संकट तो बार बार उत्पन्न होगा। मेरा मन तो नहीं मान रहा है गणेश, किंतु तुम उचित कहते हो, हम यहाँ और समय नहीं गंवा सकते, इसीलिए मैं जाता हूँ। अब देवताओं की रक्षा कैसे करोगे तुम? बुराई का अंत सदा बुरा ही होता है शुंभ, इसलिए अभी तुम हमें कितने भी कष्ट क्यों ना दे लो, किंतु तुम्हारी दुष्टता का अंत अवश्य होगा। अरे अरे भैया भैया, इतना प्रताड़ित मत करो लाचार देवताओं को, कहीं इनके प्राण इनसे विलग ना हो जाए। मूर्ख असुर, तुम अति कर रहे हो और तुम्हारी इस जाति का बहुत भयंकर दंड मिलेगा तुम्हें। इंद्रदेव इंद्रदेव इंद्रदेव, व्यर्थ है तुम्हारा हठ, तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम सब कुछ खो चुके हो? तुम्हें ज्ञात है ना स्वर्ग पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। कुछ भी कर लो तुम, परंतु पुनः स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम। तो व्यर्थ में ही इतनी ताड़ना के भागीदार क्यों बन रहे हो तुम? क्यों? अच्छा है इंद्रदेव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए। बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय, पर मैं थकूंगा नहीं। पर तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए तो बताओ, कहाँ है अमृत? अमृत भ्राता शुंभ, कदाचित आपके स्तंभन के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें स्तंभन से मुक्त करना होगा, तभी बेचारे कुछ बोल पाएंगे। उचित कह रहे हो तुम भ्राता नुशुंभ। मुक्त हो जाओ स्तंभन से। दुष्ट शाम, तुम कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, मैं अमृत को तुम्हारे हाथों में कभी भी बढ़ने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें मुक्त नहीं किया ताकि तुम मुझे उलाना दे सको। स्तंभन! अभी तुम पर तनिक भी दया नहीं करूंगा, तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाएगी परंतु तुम्हारा अंत नहीं होगा। तनिक मैं भी तो देखूं कि कब तक इस पीड़ा को सह सकोगे तुम। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं। ये असुर तो गणेश जी की ओर बढ़ रहे हैं। मूर्ख असुर, सुरक्षित तो तुम नहीं हो। Yeah!
ये क्या, टिड्डियों के दल की भांति आकाश मार्ग से ये असंख्य असुरों की सेना एक बार पुनः हमारी ओर बढ़ रही है। असुरों, यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें आगे कदापि नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करती हूं। महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी के इस योद्धा अवतार का सामना कहां कर सकेंगे ये असुर? हाँ सूर्यदेव, गणेश जी की शक्ति और उनका युद्ध कौशल तो अद्भुत है। हम यहाँ खड़े खड़े गणेश जी को इन असुरों से अकेले युद्ध करते हुए नहीं देख सकते। हमें आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। रुक जाइए सूर्यदेव, इन असुरों के साथ तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ, किंतु कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का आदेश था कि आप देवताओं को यहीं शमशान में रुकना चाहिए। ये असुर तो आप देवताओं को बंदी बनाने के आशय से ही यहाँ आए, और वैसे भी पार्वती नंदन गणेश जी को किसी की सहायता की आवश्यकता कहाँ है? ये कैसी ध्वनि आ रही है? यह असुर सेना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, वो तो पुनः आ रहे हैं। इन्हें कैसे रोकेंगे गणेश? और युद्ध के इस कोलाहल के कारण यदि मेरे प्रभु का ध्यान भंग हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। सभी बाधाओं को मिटा देंगे, असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे, देवताओं को बंदी बनाएंगे। ये असुर गणेश जी को छोड़कर देवताओं को लक्षित कर यहाँ शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि महादेव भी यहीं हैं, और यदि उनका ध्यान भंग हुआ तो उनकी विनाश लीला से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं महादेव का भक्त, माँ जगत जननी का सेवक, रोक दूंगा इस सेना को। छोड़ेंगे हम, महाराज शुंभ के यहाँ ले जाएंगे। आ, 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 आ,
महादेव का प्रधान सेवक हूँ मैं, तुम उससे पार नहीं पा सकोगे। कोई भी हो, हम तो सुरक्षित नहीं, सभी बाधाओं को नष्ट करेंगे हम। नंदी जी से बढ़कर कुछ असुर इस ओर भी बढ़ रहे हैं, सावधान रहिए। अग्निदेव, वरुण देव, अब हमें भी अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऋषिवर, हमें इन असुरों का सामना करना ही होगा, इसीलिए कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ने की अनुमति दीजिए हमें। आप सभी तो देवता हैं, दुष्टों का विनाश करना तो आपका दायित्व है, आपको आपके कर्तव्य से नहीं रोकूंगा मैं, इसलिए आप अवश्य जाइए। धन्यवाद ऋषिवर। ये देवासुर संघर्ष तो और भी भीषण होता जा रहा है। नदी के तट जो असुर हैं, उनका अंत गणेश जी कर रहे हैं, किंतु अब ये जो असुर आ रहे हैं, ये तो सीधे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं, और अब युद्ध महादेव के चारों ओर हो रहा है। यदि इनके कारण महादेव अपने ध्यान से बाहर आए तो वो अनर्थ हो जाएगा। पुत्र गणेश, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और नंदी अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंककर असुरों से युद्ध कर रहे हैं, किंतु शुंभ के स्तंभन ने देवताओं की शक्ति क्षीण कर दी है, इसीलिए देवता अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों से युद्ध कर उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। अब मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। तुम सभी का अंत करना है। अंत हमारा नहीं, तुम्हारा होगा सूर्यदेव। इस दुष्ट का प्रहार कैसे रोकूं मैं? तुम चारों ओर से घिर चुके हो सूर्यदेव, अब तुम हमसे सुरक्षित नहीं। हमारी शक्ति का ह्रास अवश्य हुआ है, किंतु इतना भी नहीं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। ये क्या? ये असुर तो महादेव की ओर ही आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? इस असुर को महादेव की ओर फेंक दिया। ये असुर तो महादेव से टकराने जा रहा है। आ, 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 आ,
यदि पिताश्री से तनिक भी स्पर्श कर गए तब तो महा अनर्थ ही हो जाएगा। युद्ध का मैदान हो या कार्यस्थल, हमें डटकर तन्मयता से अपना योगदान देना चाहिए।